देखो आज हम लोग करेंगे फेल ओवर, डीएससी पी फेल ओवर। तो डीएससी पी फेल ओवर करने के लिए हमें दो डीएससी पी सर्वर बनाने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दो डीएससी पी बना रखे हैं, डीएससी पी वन और डीएससी पी टू। ठीक है, अब दोनों डीएससी पी सर्वर को मुझे ऑथराइज करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर के अंदर दोनों डीएससी पी को ऑथराइज करके ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमें बनाना है स्कोप। तो आप स्कोप बनाएंगे, तो कोई भी यहाँ पे स्कोप बना लीजिए फर्स्ट वाले सर्वर पे। ये जी स्कोप बनाना है आपको, फर्स्ट वाले सर्वर पे बनाना है। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ फेल ओवर डीएससीपी। ठीक है, तो स्कोप बनाते हैं यहाँ पे 1.10 से लेकर मैं बना रहा हूँ 1.254 तक। ठीक है, एक्सक्लूजन दे देते हैं, चलो 1.12 से लेकर 1.15 तक। ठीक है, लीज दे देते हैं 3 दिन 3 घंटे 3 मिनट। और यहाँ पे हम डालेंगे गेटवे के बाद डीएनएस सर्वर वही रख रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेट करेंगे स्कोप को। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कोप एक्टिवेट। ठीक है, आप देखो अब हम बनाना चाहते हैं इसका फेल ओवर। तो फेल ओवर बनाने के लिए देखो इसी स्कोप पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे। देखो यहाँ तो स्प्लिट स्कोप है, इसके नीचे देखो कॉन्फ़िगर फेल ओवर। तो कॉन्फ़िगर फेल ओवर पे क्लिक करेंगे। ये देखो इंट्रोडक्शन टू डीएससीपी फेल ओवर। फेल ओवर होता क्या है? देखो डीएससीपी फेल ओवर इनेबल द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डीएससीपी सर्विसेज बाई सिंक्रोनाइजिंग आईपी एड्रेस लीज इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू डीएससीपी सर्वर्स। यानी कि हमें इसके लिए दो डीएससीपी सर्वर चाहिए और दोनों के बीच में हाई अवेलेबिलिटी हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या करें, अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा सर्वर उसकी जगह आईपी सर्व कर सके। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि दोनों जो डीएससीपी सर्वर हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोन हैं। कभी भी कोई भी डीएससीपी सर्वर डाउन होगा तो उसकी जगह जो दूसरा डीएससीपी सर्वर है ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब डीएससीपी फेल ओवर के अंदर एक सर्वर को ऑन रखना है और दूसरे सर्वर को स्टैंड बाई रखना है। ठीक है, तो जो स्टैंड बाई वाला सर्वर है वो तब काम करेगा जब पहला वाला सर्वर फेल हो जाएगा। यानी कि पहला वाला सर्वर डाउन हो गया तो जो दूसरा सर्वर है जो स्टैंड बाई मोड पे था वो हो जाएगा एक्टिव मोड पे। तो वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिवली आईपी सर्व करेगा। ठीक है, दोनों सर्वर के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों आपस में क्लोन होंगे यानी कि दोनों आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि पार्टनर सर्वर को ऐड करें, तो पार्टनर सर्वर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखो डीएससीपी वन वाला है जो 1.3 है और इसका जो पार्टनर सर्वर है 1.4 है। ये देखो तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दोनों सर्वर के साथ हमने सेम जो है एड्रेस पूल बनाया, तो जो एक के अंदर आएगा वही एड्रेस पूल दूसरे के अंदर भी शो करेगा। नेक्स्ट करेंगे, ये देखो क्रिएट ए न्यू फेलओवर रिलेशनशिप। अब इन दोनों के बीच में बन जाएगी एक रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का नाम आ रहा है, दोनों सर्वर के आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। रिलेशनशिप का नाम यहाँ पे आ रहा है 1.3 1.4। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन रही है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि मोड। मोड आप दोनों मोड पे इसको चला सकते हो, लोड बैलेंसिंग मोड या स्टैंड बाय मोड। तो हॉट स्टैंड बाय जो है वो एक्चुअल में फेल ओवर का काम कर रहा है
और लोड बैलेंस मोड पे दोनों सर्वर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एक्टिवली आईपी सर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग मोड में भी आप चला सकते हो, और दूसरा जो मोड है वो फेलओवर मोड है या हॉट स्टैंड बाय मोड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फेलओवर मोड यानी कि हॉट स्टैंड मोड पे कैसे काम होता है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हॉट स्टैंड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा रहा है हॉट स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें आ रहा है रोल ऑफ द पार्टनर सर्वर। तो पार्टनर सर्वर जो होगा वो स्टैंड बाय मोड पे हो रहेगा या एक्टिव मोड पे रहेगा, आपको यहाँ पे सेट करना है। तो जो मेरा पहला सर्वर है वो एक्टिवली मोड एक्टिव मोड पे रहेगा, और जो पार्टनर सर्वर रहेगा इसका वो स्टैंड बाय रहेगा, यानी कि पहला सर्वर आईपी सर्व करेगा और जो दूसरा सर्वर है वो क्या करेगा, स्टैंड बाय पे रहेगा। तो ये हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे स्टैंड बाय फॉर पार्टनर सर्वर। अब देखो यहाँ पे पार्टनर सर्वर के पास कितने आईपी एड्रेस रिजर्व रहेंगे, यानी कितने परसेंटेज ऑफ आईपी एड्रेस ये बांट सकता है। तो अगर हमने यहाँ पे देखो लिया 5%, डिफॉल्ट होता है 5%, तो आप 5%, 10%, 15%, 20% जितना आप देना चाहते हैं दे सकते हैं फॉर रिजर्वेशन। तो ये अपने पास उस आईपी एड्रेस को रिजर्व कर लेगा, उतना वो दूसरा जो सर्वर है वो नहीं बांटेगा, ये अपने पास भी रखेगा। अगर ये अपने पास नहीं रखेगा तो क्या होगा, अगर सारे आईपी एड्रेस पहले ही सर्वर ने क्या कर दिए, बांट दिए, तो जो दूसरा सर्वर होगा वो कोई भी आईपी एड्रेस नहीं बांट पाएगा, वो कोई भी आईपी एड्रेस सर्व नहीं कर पाएगा। अगर पहला डाउन हो गया और सारे एड्रेस उसने एडजस्ट कर दिए, और दूसरे वाला पार्टनर सर्वर अगर अप होता है तो वो वहाँ पे कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई आईपी एड्रेस बचेगा ही नहीं देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कम से कम 5% या फिर आप 10 से 20% रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 15% यहाँ पे ले लिया है इसके लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है कि मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम। मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो पहला सर्वर है, ठीक है, वो कितनी देर तक आईपी सर्व करेगा। ठीक है, तो जो पहला सर्वर है वो यहाँ पे क्या करेगा, 1 घंटे तक लीड करेगा, यानी कि आईपी सर्व कर रहा है 1 घंटा हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो हमें यहाँ पे डालना है कि भाई कितने घंटे वो यहाँ पे यूज़ करें इस चीज़ को। तो अगर आप 8 घंटे करते हो तो 8 घंटे पहले वाला सर्वर सर्व करेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे स्विच ओवर डाल दीजिए, आफ्टर स्विच ओवर 8 घंटे, ये यहाँ पे आप जो है आवर्स में डालोगे, तो 60 यानी कि आप यहाँ पे मान के चलते हैं भाई अगर पहला सर्वर जो है वो सर्व कर रहा है, ठीक है, और दूसरा सर्वर भी आप चलाना चाहते हो, ये बेसिकली जो काम करता है ये लोड बैलेंसिंग में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, आप ये चाहते हो कि भी एक सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े और बारी बारी से दोनों सर्वर काम करें, ठीक है, तो आप उन दोनों के बीच में एक स्विच ओवर इंटरवल सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्विच ओवर इंटरवल यहाँ पे सेट कर सकते हो, मान के चलते भाई हमने जो पहला सर्वर है उसको यहाँ पे 2 घंटे काम कराया। ठीक है, और यहाँ पे आप स्विच ओवर जो डालोगे तो 60 दूनी 120 हो गया, तो 120 मिनट बाद क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा दूसरे वाले सर्वर, यानी कि पहला सर्वर जो है वो 2 घंटे तक जो है आईपी सर्व करेगा और 120 मिनट बाद वो स्विच ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्विच ओवर भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो फर्स्ट वाला सर्वर ही आपका कंटिन्यूस काम करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद ऑथेंटिकेशन दोनों सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे और ये आपस में एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी सेटिंग्स को इनेबल करें, कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ तभी कम्युनिकेट करेंगे जब एक पर्टिकुलर मैसेज या एक ऑथेंटिकेशन की रोटेट होती रहेगी। तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज के लिए एक पासवर्ड सेट कर देंगे यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ डाल दिया सिस्को @1234, ये इसका पासवर्ड हो गया दोनों के बीच में रोटेट होकर। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा
वही यहाँ पे जो स्कोप है 1.0 वाला, उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ स्कोप जितने भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप उस पर्टिकुलर स्कोप को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे स्कोप यहाँ पे आ जाएंगे, जिस जिस स्कोप पे आप चाहते हो कि यहाँ पे काम करें, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशनशिप नेम आ गया, क्लाइंट लीड टाइम आ गया 2 आवर्स, मोड आ गया हॉट स्टैंड बाय, स्विच ओवर आ गया 1 पर्टिकुलर, रोल ऑफ द पार्टनर सर्वर आ गया स्टैंड बाय, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुकी है और यहाँ पे हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश कर दिया और दूसरे सर्वर को भी रिफ्रेश कर दिया। तो देखो दूसरा सर्वर भी यहाँ एक्टिव आ गया है, देखो यहाँ पे यानी कि स्कोप एक्टिवेट हो गया इसका भी, और जो हमने फेलओवर कॉन्फ़िगरेशन किया था वो दूसरे वाले के पास भी अवेलेबल है, यानी कि सेम आप देख सकते हो 1.10 से 1.254 और एक्सक्लूजन 12 से लेकर 15 तक। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पहले वाले सर्वर में, लेकिन अभी क्या है कि ये जो दूसरे वाला सर्वर है इस स्टैंड बाई मोड पे काम कर रहा है और जो पहले वाला है वो एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्लाइंट को आई एड्रेस देता है कि नहीं देता। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे। तो क्लाइंट मशीन में हम क्या करेंगे, लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 3 यहाँ पे अलग अलग एडेप्टर पड़े हैं और मैं इनको आईपी एड्रेस जो है सर्व करवाऊंगा। तो अब हमने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है, देखो इसने आईपी एड्रेस उठाया है 1.10। कौन सा सर्वर चल रहा है, 1.3, यानी कि फर्स्ट सर्वर हमारा चल रहा है, ठीक है। सेकंड में हम देखते हैं 11 IP उठाया है, कौन से सर्वर से उठाया है, 1.3 से। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे 1.16, देखो यानी कि एक्सक्लूजन हमने डाला था तो अब ये देखो 16 उठाया है इसने, और 1.3 सर्वर से उठाया, यानी पहले वाला सर्वर जो है वो अभी क्या कर रहा है, लीज बांट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम हमने 2 घंटे दिया था, तो यानी कि 2 घंटे से पहले, ठीक है, जो दूसरा वाला सर्वर है वो क्या नहीं कर पाएगा, एक्टिवली अप नहीं हो पाएगा, यानी कि पहला सर्वर जो है अभी बांटता रहेगा 2 घंटे तक, उसके बाद स्विच ओवर करेगा, ठीक है, और स्विच ओवर करने पे ही वो बांट पाएगा, ठीक है। तो अभी पहले वाले सर्वर से ही उठा रहा है तो हमारा जो सर्वर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन सिंक्रोनाइज कर पाएगा यानी कि वो भी चेक कर पाएगा
कि क्लाइंट के पास क्या आईपी एड्रेस आया। तो देखो पहले वाले सर्वर के पास देखो सारी इंफॉर्मेशन आई है, यही इंफॉर्मेशन दूसरे के पास भी सिंक हो जाएगी। देख रहे हो आप, सिंक तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि जो पहले वाला सर्वर है वही सर्व कर रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन दूसरे के पास भी जा रही है। देखो देखो ठीक है ना, यानी कि दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, क्योंकि तो दोनों आपस में एक फेल ओवर रिलेशनशिप के अंदर काम कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर पहले वाला डाउन हो गया तो दूसरे वाले को पता रहेगा ना क्या आईपी बांटा है इसने। अगर पहले वाला डाउन हो जाता है तो दूसरे को पता नहीं चलेगा क्या आईपी बांटा है इसने। ठीक है, बात समझ आई? अब देखो यहाँ जी पे, सर। अब यहाँ पे देखो हम एक को डाउन कर देते हैं, एक सर्वर को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो देखो DHCP 1 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वही सारी चीज आपको दिखाई देगी। ये देखो रिफ्रेश करो, ये देखो सब कुछ दिख रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व है। ये दूसरा DHCP सर्वर, ये देखो यहाँ पे भी सारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब देखो मैं फर्स्ट वाले DHCP सर्वर को डाउन कर देता हूँ। तो डाउन करने के लिए देखो मैं इसको बंद कर दूंगा, चलो ऐसे बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ से बंद करना ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसे सस्पेंड कर देता हूँ। तो पहले वाला जो सर्वर है हमारा वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है, ये देखो। अब हम अपने क्लाइंट पे जाते हैं, ये क्लाइंट मशीन, और यहाँ पे मैं एक और एडेप्टर ऐड करूँगा, नया एडेप्टर, जिससे कि ये मान लेगा कि भाई नया वाला क्लाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे नया एडेप्टर, तो देखो यहाँ पे इथरनेट 3, इसने देखो आईपी एड्रेस उठाया, कितना उठाया, 219 उठाया। देखो बिल्कुल हटके उठाया, क्यों, क्योंकि इसने 15% वाले में से उठाया। ठीक है, देखो 219 आया, किस सर्वर से उठाया, 1.4 से, यानी कि हमारा जो सर्वर है तो दूसरे वाला एक्टिवली काम कर रहा है, यानी कि स्टैंड बाय मोड वाला सर्वर काम करने लगा है। देखो ये देखो रिफ्रेश किया, ये देखो एंट्री बन गई इसकी, देख रहे हो। अब देखो DHCP सर्वर, ये देखो यहाँ पे हम चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो देखो दूसरे वाले सर्वर की यहाँ पे भी एंट्री आ गई है। और अब जो पहले वाला सर्वर है अगर मैं रिफ्रेश करूं तो इसकी यहाँ पे एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि ये डाउन है, पहले वाला सर्वर डाउन है। तो मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी सिंक्रोनाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे वाला सर्वर जो है वो आईपी सर्व कर रहा है और पहले वाला डाउन। बात समझ आई? तो दूसरे ने आईपी दे दिया, यानी कि हमारा जो फेलओवर है वो काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो हम 1 को दोबारा से ऑन कर देते हैं। हमारा जो DHCP 1 है वो ऑन हो चुका है यहाँ पर, और रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो अभी क्लाइंट की सेटिंग नहीं आ रही है, यानी कि अभी जो दूसरे वाला सर्वर है वो एक्टिवली काम कर रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो सिंक्रोनाइज कर गया अभी, देखो यानी कि अब उसको पता लग गया है। ठीक है, कि भाई ये वाला सर्वर ऑन हो चुका है, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज हो गया है। ये देखो ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है 1 के अंदर।
और टू के अंदर तो ऑलरेडी थी ये वाली इंफॉर्मेशन। और अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो डीएससीपी वन लीज में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर लिया। अब हम देखो दोबारा से क्या करते हैं, एक ये देखो दोबारा से अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो आईपी एड्रेस उठाए थे इनको हम रिन्यू करेंगे दोबारा से। डिसेबल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से जो डीएससीपी सर्वर है यहाँ से इसको डिलीट मार देते हैं। तो यहाँ से भी हट गया, देखो एक से हटाए दूसरे से भी हट जाएगा क्योंकि सिंक है दोनों के बीच में। अब देखो वापस से आएंगे और रिन्यू करा देंगे। वन डॉट थ्री से उठा लिया, फिर से वन डॉट थ्री, वन डॉट थ्री, वन डॉट थ्री, देख रहे हो। यानी कि अभी क्या हो रहा है, जो पहले वाला सर्वर है यही आईपी बांट रहा है सबको। ये देखो देख रहे हो ना, यानी कि क्या हो रहा है कि अब ये फेल ओवर जो है वो वापस से स्विच ओवर हो गया है किसके पास, पहले वाले के पास। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला डाउन हो गया था, और डाउन होने के बाद दोबारा से जो दूसरे वाला सर्वर स्टैंड बाय चला गया और इसने वापस से लोड को ले लिया, ठीक है। क्योंकि हमने जो क्लाइंट लीड टाइम दिया था वो 2 घंटे दिया था, और उसमें क्या है कि फर्स्ट वाला जो पीसी है, फर्स्ट वाला जो डीएससीपी है वही इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। जब तक उसका टाइम पीरियड चलता रहेगा तब तक ये आईपी सर्व करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स जो है ये आपकी फेल ओवर की है, बात समझ आ रही है। जी सर। अब देखो अब हम अपने देखो डीसीज पे हैं, और यहाँ पे हम डीएनएस ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीएससीपी 1 और 2 दोनों ऐड है। यहाँ पे आप रिवर्स लुकअप जोन बना लीजिए, और इनके पीटीआर अपडेट कर दूं। पीटीआर अपडेट हो चुके हैं और डीएसपी 1 है। इसकी सेटिंग में जाके ऑटोमेटिक अपडेट स्टैटिक कर दो, अप्लाई करो, ओके करो। दूसरे में भी जाओ सेम काम करना, ऑटोमेटिक स्टैटिक अपडेट कर दो। डीएनएस में जाएंगे, देखो इनेबल डीएनएस डायनेमिक अपडेट अकॉर्डिंग टू सेटिंग्स। डायनेमिक अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड्स ओनली इफ द रिक्वेस्टेड बाय द डीएससीपी क्लाइंट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हम डायनेमिक अपडेट को यूज करेंगे, ठीक है। डायनेमिक अपडेट ऐसा फीचर है जिससे कि ऑटोमेटिकली ए और पीटीआर रिकॉर्ड की एंट्री आ जाती है, ठीक है, बात समझ आई। और दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम कन्फ्लिक्शन, नेम कन्फ्लिक्शन से बचाएंगे। तो देखो नीचे आ रहा है नेम प्रोटेक्शन, कन्फिगर करेंगे
और इनेबल कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो ए रिकॉर्डर पीटीआर है अगर डुप्लीकेट होंगे तो ये क्या करेगा, तुरंत ही हमें क्या करेगा, अलर्ट करेगा और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर देगा। ठीक है, ये होता है नेम प्रोटेक्शन। तो हमने ये अपडेट किया, ये देखो फेलओवर के अंदर दोनों आ रहा है। अभी स्टेट नॉर्मल चल रही है, मोड आ रहा है हॉट स्टैंड बाय। इसी तरह से दूसरे डीएससीपी में जाना है आपको, डीएनएस में जाना है और नेम प्रोटेक्शन ऑन कर देना है इसको। ठीक है, हमें जाना है अपने क्लाइंट पे और यहाँ पे आपको ये तो रिलीज रिन्यू चला दो या फिर आप इसे इनेबल डिसेबल कर दो। इसमें डोमेन चेंज है ना, तो इसका डोमेन हम तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योर क्लाइंट क्लाइंट जो सिक्योर डायनेमिक अपडेट होता है वो सिक्योर क्लाइंट के लिए होता है। ये क्लाइंट बंद तो गया है लेकिन सिक्योर क्लाइंट नहीं है क्योंकि एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस हमारा चल रहा है। ठीक है, तो सिक्योर क्लाइंट के लिए हमें इसे डोमेन में ज्वाइन कराना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे ए रिकॉर्डर पीटीआर की एंट्री देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे क्या करा रहा हूँ, पहले वर्क ग्रुप में डालूंगा और उसके बाद डोमेन में ज्वाइन करूँगा। ठीक है,
ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एंट्री आ चुकी है। तीनों हमारे एडेप्टर पे जो जो आईपी एड्रेस इसने उठाए हैं 16, 10 और 11, तीनों की यहाँ पे डायनेमिक अपडेट के थ्रू एंट्री आ चुकी है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 4 की आ चुकी है। ये देखो बात समझ आई। और यही चीज आप देख सकते हो पीटीआर के अंदर भी एंट्री बन चुकी है। ठीक है, इसे कहते हैं डायनेमिक अपडेट, और ये सिक्योर डायनेमिक अपडेट यूज कर रहे हैं। डिसेबल करेंगे और अब हम अपने पहले वाले सर्वर को डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो एंट्री आ रही है वो देख लो, 219, 10, 16, ठीक है, ये देखो 11, 16, 10, 219, ये एंट्री है। रिफ्रेश किया आप देख सकते हो वो वाले जो क्लाइंट थे यहाँ से हट गए, देख रहे हो आप, मैंने रिफ्रेश किया और विंट देखो विन 102 वाले जो क्लाइंट से हट गए, DHCP 1 बंद हो चुका है। और इसके जो डायनेमिक अपडेट है उसके थ्रू DNS भी चेंज हो गया। अब देखो अब हम दोबारा से चलते हैं उस सर्वर पे और फिर से हम यहाँ पे इनको इनेबल करते हैं, यानी कि जब भी ये इनेबल डिसेबल होंगे ऑटोमेटिकली DNS के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारे क्लाइंट ने आईपी एड्रेस उठाया कि नहीं उठाया। ठीक है, क्या उठाया है आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ चुका है। देखो किस सर्वर से उठाया, दूसरे सर्वर से उठाया, कब उठाया, यहाँ पे डेट और टाइम बन के आ गया, देख रहे हो आप 7:30 AM, 7:30, ये देखो देख रहे हो टाइम, ये डायनेमिकली अपडेट हो रहा है। जो हमारे स्टेटिक एंट्री है वो ये है, यानी कि मैनुअली जो हमने यहाँ पे आईपी सेट किया था डीसी का, वो ये देखो ये स्टेटिक पे है, बाकी डायनेमिक पे है। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जी डायनेमिक अपडेट के थ्रू यहाँ पे भी आईपी अपडेट हो चुका है, वही वाला जो करेक्ट आईपी है। यहाँ पे करेक्ट एंट्री ही आएगी, गलत एंट्री आएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे DNS जो है वो वहाँ पे डायनेमिक अपडेट ऑन कर दिया है DHCP के अंदर, तो DHCP के अंदर जब भी DHCP आईपी देगा हमें पता लग जाएगा DNS के अंदर उसकी सही एंट्री यहाँ पे आएगी। बात समझ आ रही है। फर्स्ट वाले DHCP, ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ सर, हाँ सर, ये चीज आप कर सकते हो, इसी को हम कहते हैं फेल ओवर कॉन्फिगरेशन, ये हमारी बहुत। ठीक है जी सर, इसकी प्रैक्टिस करो बस। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे फिर।